अच्छा एक इंग्लिश कोर्स है, इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स यू हैव टू स्टॉप स्विमिंग विद डक्स। अगर आप बहादुरों की महफिल में आना चाहते हैं तो आपने बुजदिलों की महफिल को छोड़ना पड़ेगा। आपका आने वाला दौर है, आने वाली जो हैसियत है, आने वाला जो आपका मकाम है, वो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो इस तरह लगा सकते हैं कि इस दौर में इस वक्त आपका उठना बैठना इनके साथ है। अगर बुज़दिलों के साथ आप लोगों का उठना बैठना है तो आने वाले दौर में आप बुज़दिल होंगे। अगर सियासतदानों के साथ आप लोगों का उठना बैठना है तो आने वाले दौर में आप सियासतदान होंगे। अगर जाहिल लोगों के साथ आप लोगों का उठना बैठना है तो आने वाले दौर में आप जाहिल होंगे। अगर बाशऊर लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो आने वाले दौर में आप बाशऊर होंगे। जिस मकाम को आप हासिल करना चाहते हैं आप उसी महफिल को ज्वाइन करें तो आने वाले दौर में आप उसी मकाम पर होंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश कोर्स है कि इफ़ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स यू हैव टू सेट ऑफ स्विमिंग विद डक्स। कि अगर आप लोग ईगल्स के साथ, इसका मतलब यही बनता है कि अगर आप बहादुरों की महफिल में आना चाहते हैं तो आपको बुजदिलों का साथ छोड़ना पड़ेगा, जाहिलों का साथ छोड़ना पड़ेगा, नाकाम लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात है, नाकाम लोगों का साथ छोड़ना है, लेकिन उनको कामयाबी के रास्ते पर लाने की कोशिश अगर आपसे हो सकती है तो वो ज़रूर करें, लेकिन उनको फॉलो करना आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके लिए दोस्त कौन सा होता है। एक बात तो ये है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है कि जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हों। हाँ ये नहीं है कि आप इखलाक का दायरा ही भूल जाएं, लेकिन जो आपकी क्लोजनेस होती है वो ऐसे लोगों के साथ हो। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ दोस्त कौन सा होता है। हर वो शख्स जिससे आप लोगों का ना दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। वो शख्स आपका दोस्त है जिससे या तो आपको दुनिया का फ़ायदा हो या आखिरत का फ़ायदा हो। दुनिया का फ़ायदा किसी भी किस्म का हो सकता है, ये नहीं है कि आप उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाना चाहें, नहीं, आपको रहनुमाई मिले। और आखिरत का फ़ायदा क्या है कि वो आपको सीधे रास्ते पर लेके चले। तो अहमदाबाद आप लोगों ने दोस्त ऐसे बनाने हैं कि जिससे आपको दुनिया या आखिरत फ़ायदा या इन दोनों में से किसी एक का फ़ायदा हो, क्योंकि दुनिया के फ़ायदे में उसका किसी किस्म का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो शख्स आखिरत का फ़ायदा करता है किसी दूसरे का, इसमें उसकी भलाई होती है, दोनों तरफ इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है कि दोनों सीधे रास्ते पर चलते हैं। जो शख्स ऐसा शख्स जिससे ना आपको दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा, वो आपका दुश्मन है, और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा, तभी आप अपने असल मकाम पर पहुंच पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।